हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के योग के बारे में सीखा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो देखो बेटा, अगर कोई संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी गई है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ पी क्यू है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो 3/2 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। और अगर मान लो इनका योग करना है तो एक और संख्या ले लो। चलो बेटा, मान लेते हैं मैंने ले लिया 5/7 ले लिया, ठीक है। अब इनका योग करना है, कैसे करेंगे? मेरी बात एकदम अच्छे से समझिएगा कि आखिर ये परिमेय संख्याओं का योग करते कैसे हैं। तो 2 और 7 का LCM यानी कि लसा लेना पड़ता है, ठीक है। यानी जो हर में रहेगा उसका लसा लेंगे आप। तो 2 × 2 7 नहीं कटने वाला, फिर 7 से कट करिए, 7 × 7 पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इसलिए इसलिए जो इसका LCM होगा बच्चों, वो क्या होगा? 2 × 7 से आ जाएगा, 14। एकदम सही, 14 हो जाएगा। अब इस 14 को है ना, इस 14 को डिवाइड करिए, इस 14 को डिवाइड करिए बच्चा इस वाले 2 के साथ में। तो जब 2 के साथ में डिवाइड करिए, बहुत शानदार। और ये जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना बच्चा, जो न्यूमरेटर है उसको आपको लिखना होगा एज इट इज। फिर 7 से इसको डिवाइड करिए, कितने बार में कट होगा बच्चों? बहुत टू ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये जो न्यूमरेटर में आपका जो 5 है ना बच्चा, इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए, देखिएगा सच्चा सेवन, 21 सर, हाँ 7 3 21। 10, 10, अच्छा बच्चों, माइक बंद करना चाहिए। 14, हाँ, रियाज के नाम से जो बच्ची है, रियाज के नाम से जो बच्ची है बेटा, आपकी तरफ से शोर हो रहा है ना। शोर मतलब ये कि जब आप माइक ऑन कर रहे हो ना, तो मेरी आवाज प्लस सारे बच्चों की आवाज गूंज रही है, ऐसा होता है। तो आप कोशिश करो कि माइक बंद रखो और जो भी बातें करनी है आप लोग चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। होता है बेटा, कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि आवाज गूंजने लगती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बातें चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, तो 21 में 10 जोड़ दीजिए, ठीक है। 21 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। इकतीस। क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस तो हाँ, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसी प्रकार का, ठीक सर, यस सर, है बेटा। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, लिखा हुआ है 9/4 और इसका योग निकालना है 14/20 के लिए। चलिए बच्चों, मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को हम ऑन करते हैं। चलो बच्चों, इसी प्रकार का जो क्वेश्चन अभी समझाए हैं ना, वैसे ही करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा बड़े आसानी से। बस आप करना क्या, पहले दिए गए हर का लसा ले लेना यानी कि LCM ले लेना, और फिर बताओ मुन्ना। सिखाए गए प्रोसेस को करना। यस वर्षा, कुछ बोल रहे हो आप वर्षा? सर आप बताओ मुन्ना। अच्छा, ठीक 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 है बेटा। बात भी करिए बेटा, पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। सारे बच्चे जरूर आंसर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि सही आंसर करिए, ठीक है। गलत उत्तर देने में कोई मजा नहीं है बेटा, स्कोर बेटा अभी स्कोर बताने लायक हुआ ही नहीं है, लेकिन चलो बता दे।
तीन बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। अरे अभी अभी क्या सही है? हाँ अगर अभी अभी किया तो आपका ठीक है, मैंने देखा, क्योंकि अब संख्या 5 हो चुकी है, इसका मतलब आपने ही किया होगा और एक दो बच्चों ने और किया है। टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है, 7 बच्चों का सही आंसर आया है। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत शानदार। 9 बच्चों का सही आंसर आ गया। हाँ रियाज के नाम से जो बच्ची है, अगर आप कुछ बोलना चाहती है माइक ऑन करके बोल दीजिए। सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि क्या कहते हैं, मैंने अभी अभी किया, फिर आपने बता दिया स्कोर था, इसलिए एकदम बंद कर सही है, दिया। एकदम। अगर आपने अभी भी किया तो आपका सही है बेटा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 10 बच्चों का ठीक आंसर आया है और मात्र एक बच्चे का गलत है, और ये एक बच्चा जो गलत किया ये सबसे पहले ही कर चुका था, ठीक है। इसलिए जो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है अभी तक, ठीक है। ये है आपका स्कोर बोर्ड, मैं थोड़ा इसको किनारे कर देता हूँ। बाकी लोग भी आंसर करिए। हाँ बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बेटा, मैंने देखा कि अभी अभी किसी ने गलत किया है, ठीक है, जस्ट अभी अभी की बात है। तो कुल गलत आंसर की संख्या कितनी हो चुकी है? गलत ओके आंसर की संख्या हो चुकी है 2, और एक बच्चे ने सही कर दिया, बहुत बढ़िया। तो सही मैंने आंसर किया कितना? था। अच्छा, बहुत शानदार, 11 हो चुकी है, ठीक है, गुड बेटा, 11 हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड और हैं। अच्छा अभी अभी एक और बच्चे ने सही किया है, गुड, जस्ट अभी भी की बात है। सॉरी 13 है ना? हाँ 13, सेकेंड, ठीक है। ओके बच्चों, क्या अब मैं फोन को बंद कर दूं? यस सर। ठीक है बच्चों, फोन बंद हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी कॉपी चेक कर दो। यस, तो मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ आप सभी बच्चों की, जैसे कि नाम मैं भी पढ़ देता हूँ ना, जैसे कि राहुल हो गए मुकेश के नाम से, दहिया यू क्लासेस, रियाज के नाम से, निकिता के नाम से, है ना। ये जिन बच्चों का मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों का ठीक आंसर है ना, किसी का गलत है ही नहीं। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। राहुल का भी मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है, गुड, ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 4 और 20 का एलसीएम बच्चों, आप लोग खुद बताइए कितना होता है 4 और 20 का एलसीएम? 20 बहुत बढ़िया, और अगर 20 को 4 से भाग करेंगे बच्चों क्या आएगा? पांच गुड, 9 उतार दीजिए यहाँ का, फिर इस 20 को इस वाले 20 से भाग करेंगे, एक गुड, ये 14 एज इट इज लिख दीजिए, 9 5 जार 14 1 जार, गुड, 45, 14 इनको जोड़ने पर 59 आएगा। ओके बेटा, बहुत ही शानदार। 69 या 59? 59 आएगा सर, ये तो मैंने वही मैंने तो सुना, कह रही हूँ। 6 कहाँ पे आ गया? हाँ एक और दे दो सर, माइनस का दे देना। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। चलिए अब हेडिंग लगाइए सब्ट्रैक्शन, अब माइनस का मैं सिखाऊंगा, अभी कोई बच्ची ने बोला भी था, वर्षा ने आई थिंक बोला था, ठीक है। हेडिंग लगाइए सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, आपने हेडिंग लगा दिया। यस सर। अब यस सर।
अच्छा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 13/4 में से, ठीक है, 13/4 में से 7/3 को घटाइए। सात बटे तीन को घटाइए तो 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 3 का एलसीएम बच्चों 12 होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ पे ऐसे रफ वर्क में कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 2 1 जा 2, 3 रहेगा ही, 3 से कट कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर सर हाँ। अब इस 4 से डिवाइड करिए 12 को, तो 4 3 जा, बच्चों 4 3 जा 12, ट्वेल्व ठीक है। अब इस 13 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा, सर ट्वेल्व और ये जो 7 है इसको लिख दीजिए। ओके 13 3 जार 39 एंड 4 7 जार 28।28 39 में से 28 माइनस कर दीजिए, सेवन बस बेटा यही आपका फाइनल आंसर है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, इसका कार्ड भी लिया हमने सर, गुड, बहुत साथ समझ, साथ निकाल रही थी हम। बहुत ही अच्छी बात। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने एडिशन तो पिछले क्लास में सीख लिया था और आज की क्लास में जस्ट अभी अभी आपने सीख लिया सब्ट्रैक्शन। चलो अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग कर ले जाओगे? यस सर, यस आप सर। सर, ठीक है बेटा, तो ये रहा आपके लिए पोल में क्वेश्चन। ओके सर, ये पोल में है, आपको सॉल्व करना है। बच्चों पोल ऑन हो चुका है, सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है। मेरा सही है। ओके हाँ बेटा आपका सही है, बिल्कुल परफेक्ट। दो बच्चों का आंसर आया है, दोनों का ठीक है। अभी को एक बच्चे का और आंसर आया, 3 बच्चों का आया है, तीनों का ठीक है। अभी को किसी ने किया उनका गलत है, जस्ट अभी अभी किया है। अभी सर बेटा बता पाना मुश्किल है क्योंकि एक बच्चे ने गलत भी किया है और एक बच्चे ने सही भी किया है, इसलिए इस टाइम थोड़ा बता पाना मुश्किल है क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हुई हैं। सर हाँ बताइए। पोल में आंसर देना है जी सर, हाँ अभी अभी किया सही है। एकदम परफेक्ट है, क्योंकि देखो 6 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। बताना अभी भी क्या ठीक है अभी अभी किया? नहीं बेटा नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि गलत भी हुआ है और सही भी, दोनों बातें हुई हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, देखो 8 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है, ये स्कोर हो चुका है इस वाले सवाल के लिए। 8 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी करिए बच्चों।
अभी अभी किसी ने किया है उनका सही है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के 9 बच्चों का सही हो गया। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड हैं, इस समय 10 बच्चों का सही हो चुका है बेटा, मैं देख पा रहा हूँ। सर 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। बहुत बढ़िया काम किया कि आपने बता दिया, ठीक है। देखो बेटा, जब कोई लगा रहा हो ना अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहा हो और उसको टाइम की कमी महसूस हो रही हो, तो तुरंत बोला करो आप लोग ऐसे ही, ठीक है। अगर ऐसे बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, नहीं बोलोगे तो बेटा बंद कर दूंगा, ये दिक्कत होती है, ठीक है। चलो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक सारे बच्चे ये बता दीजिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? गुड आया सर, आ गया सर समझ में। गुड। चांदनी आपने आंसर किया बेटा पोल में? गुड कर दिया सर। गुड। सर अभी अभी किया मैंने। बेटा आई थिंक आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि आपने ए वाले को चूज किया है एंड मुझे नहीं लगता कि ए वाला करेक्ट है। क्या आपने ए वाला ही चूज किया है ना बेटा, रियाज के नाम से जो बच्ची है? यस सर, गलती यहाँ पे होगी, 56 लिख रखे थे, साथ में 55 है, माइनस बड़ा हाँ बी है सर। हाँ बेटा कर लो बी होगा, ठीक है, आपने ए को चूज किया, मैंने देखता देखा हूँ है। सर, आपको 75 है, कॉपी यस, मुकेश के देख नाम, लो। हाँ मुकेश के नाम से जो बच्चा था मैं उनकी कॉपी देख रहा था। यस जतिन, आप भी कॉपी चेक करा लीजिए, बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए बेटा। सर मेरा सही निकिता है, दिखाइए दिखाइए, हाँ यस मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। रियाज के नाम से बच्ची है, हाँ इनकी भी कॉपी देख रहा हूँ मैं। यस जतिन आपका भी ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हाँ सर मैंने ये 56 लिख दिया था ना, इसलिए पहले जब भी ओ गलती चलो होगी माइनस का रह गया। कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीख रहा है, आगे से ऐसी गलती मत करना बेटा, ठीक है। ओके सर, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, 14 को एज इट इज लिख देना होगा, 3 से डिवाइड करो तो 3 5 15, एंड 11 को एज इट इज लिख देना होगा। ध्यान से देखो, 14 3 42 होता है, 42, 55, एंड 55 सर। तो 55 में से 42 माइनस कर दीजिए, माइनस के 13, देखो जब माइनस की माइनस, देखो बड़ा जो संख्या है वो 55 है और 55 की पहले क्या है माइनस, तो जो बड़ी संख्या होती है उसी की बात मानी जाती है और इसीलिए -13 आएगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक चलिए इस वाले सवाल को भी करिए, इस बार गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीछे करना अच्छा, कर लो आगे। जिन बच्चों ने गलतियां की थी पिछले वाले क्वेश्चन में वो अब गलतियां मत करना। सर स्कोर बता दो। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है, तो अभी रहने देते हैं, बाकी लोगों को भी आंसर करने दीजिए।
मेरा सही है। आपने किया है? यस सर। ठीक है ओके। तो बच्चों टोटल में दो बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है, ठीक है। और जो राहुल ने आंसर किया था, राहुल के नाम से जो बच्ची है, उनका भी ठीक है। सर मैंने सबसे पहले किया था। यस बेटा, ये तो मानना पड़ेगा बिल्कुल। अभी अभी किया है सर। सही है। बेटा नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी अभी संख्या बढ़कर के 7 हो गई है और दो बच्चों का गलत भी हो गया है। सर लगातार वो आया ना, तो इसलिए नहीं बताया जा सकता। लेकिन ओके सर। हाँ, इतना जरूर है कि 7 बच्चों का ठीक है और दो बच्चों का गलत है। टोटल 9 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। ओके बेटा, 9 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। सर देखना अभी भी क्या ठीक है। नहीं बेटा, गलत है आपका, गलत है क्योंकि संख्या अभी भी 9 है और गलत करने वालों की संख्या 4 हो चुकी है, बढ़ करके 3 से 4 हो गई है। इसका मतलब आप ही का उत्तर था। कोई बात नहीं बेटा, इसको और ध्यान से करो तब तक, और ध्यान से एक बार फिर से ट्राई करो, देखो गलती कहाँ रह गई। जिन बच्चों का गलत हो जाता है ना, वो फिर से ट्राई कर लेंगे एक बार ही। हालांकि अगर ये भी है कि अगर आपने एक बार आंसर चूज कर लिया, चाहे वो सही हो या गलत, तो दोबारा नहीं चूज किया जा सकता, ये रूल है बेटा। केवल एक ही बार आप आंसर चूज कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों आप लोग सर अगर मैंने हाँ, अभी अभी किया है। सर अगर अभी अभी किया तो एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, एकदम परफेक्ट। आपकी माइनस को ध्यान में रखते हुए किया है। सही है बेटा। सर मैंने अभी अभी किया है। सही है। एकदम एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तुम्हारे नाम से बच्ची, क्योंकि 11 बच्चों का सही है और जो 4 बच्चों ने गलत किया था वो उतना ही है, तो इसलिए इसका मतलब ये होता है संख्या बड़ी है। तो किसकी बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है, सही चलो होने वालों की बड़ी है ना। तो 4 बच्चे अभी भी बने हुए हैं गलत पर और 11 बच्चे सही कर चुके हैं। गुड। तो बच्चों क्या फोन को बंद कर दिया जाए? ठीक यस सर। है ठीक है, चलिए मैंने फोन को बंद कर दिया और चैट को ऑन कर सर दिया। आप कॉपी चेक कर दो। ठीक है, हाँ वर्षा बिल्कुल सही है, जतिन राहुल एकदम परफेक्ट। हाँ निकिता का भी ठीक है, रियाज के नाम से बच्ची इनका भी ठीक है, राहुल के नाम से बच्ची इनका भी ठीक है। गुड, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सर आप हमेशा ना पीछे एक ही अंक नहीं देते थे इसलिए मैं एक ही का निकालती थी। आपने आपकी बार ना सारे अंक सेम ही दिए। हाँ बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है। 7 और 5 का आप एक तरीके से एलसीएम ले लीजिए तो 35 हो जाएगा। 35। सर गुड, 7 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट होगा? 5। 5 से कट करिए,
सर। और ये 21 एज इट इज लिख दिया जाएगा। बच्चों बताइए 19 25 कितना होता है, 19 5 का कितना होता है? 95 एकदम परफेक्ट आंसर। एंड 21 का जब 7 को मल्टीप्लाई कराया गया तब कितना आया? 147। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है सर? माइनस के 52। यस सर। यहाँ पे देखो 147 एक बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो आने वाला आंसर वो भी माइनस में होगा, तो माइनस का 52/35 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? सी। गुड बिट सर। ऐसे भी देख सकते हैं ना, जिसका निशान बड़ा उसी में आंसर आएगा, है ना सर? एकदम एकदम वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जिसका नंबर बड़ा है वो अपने आप में उस साइन लगाएगा। ओके सर, दे दो। चलिए अब हेडिंग लगाइए मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। हेडिंग लगाइए चलो बच्चों ध्यान से देखना। यहां लिखा है कि माइनस 6/5 को 4 से गुणा करें। सर 4 के नीचे एक भी लगा सकते हैं? एकदम ऐसे करना ही है बेटा। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1। अब होता क्या है, रूल रूल कहता है कि अंश का गुणा हमेशा अंश में करना है और हर का गुणा हर में करना है। तो बच्चों 6 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा? -24। और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 5। यही आपका फाइनल आंसर है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर पोल कर दिया दो सर। ठीक है, हाँ देंगे देंगे, बिल्कुल देंगे अभी। लेकिन आप जो सीख रहे हैं इसके बारे में बताइए, क्या एकदम अच्छे से आप लोग बच्चों सीख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है। 15/8 है और इसका गुणा कराया जा रहा है 3/20 से। तो बच्चों अगर कुछ कट रहा होगा तो उसको पहले काटने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, ये देखो ये जो 15 है वो अंश में है और ये जो 20 है ना बच्चों वो हर में है। तो जब अंश में कोई चीज होती है और कोई चीज अगर हर में होती है और इन दोनों में कुछ कुछ अगर इन दोनों में कोई ना कोई चीज कट सकती है तो उसको पहले हम लोग काट देते हैं। आ रही है बात समझ में आपको बच्चों? यस सर। यस सर। कोई कट तो रही नहीं। क्यों कट नहीं रही है? सर कट रही है। हाँ सर अब देखा, 15 और 20 15 5 के 20। हाँ देखो एक बच्चे ने देख लिया एक बार। गुड, देखो बेटा 15 को भाग दो 5 से, 5 3 15 और 20 को भाग दो 5 से, तो 5 6 20। तो यानी कि ऊपर बचेगा 3 और ये 8 तो पहले से ही था ऊपर है, देखो नीचे की तरफ 4 बचेगा। हाँ बेटा देख, तो अंश का गुणा अंश में करा दीजिए। तो 3 का कितना होता है? 9 8 6 32। सर पहले इनकी मल्टीप्लाई करके फिर भी काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ओके सर ठीक है, फोन में दे दो। जो आपने बोला बेटा वो एकदम कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जानते हो क्यों? देखो बेटा आप अगर मान लो गुणा करके 15 3 45 होगा और 8 2 16 यानी 60 होगा, यानी कि 45/160 आएगा। अब बताओ इसमें से कट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा लेंदी नहीं लग रहा है? देखो लेंदी लग रहा है। यस सर। इसलिए सबसे पहले जानते हो आप लोग क्या करना, पहले आप लोग कट पिट कर लेना है ना, जब वो कैंसिल हो जाए पूरी तरीके से तब मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हो? सर सर। अब एक सवाल और देते हैं यहीं पे करने के लिए, जरा देखते हैं आप। यस सर दे दो। पोल में नहीं देते सर? हाँ पोल में भी देंगे लेकिन अभी के लिए थोड़ा यहाँ पे करके पीछे कर दियो फिर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग।
सर देखियो सर कर लिया आंसर क्या आ रहा है बता दीजिए मुझे सर 13/6 सर देखियो एक बार 9 सर 6/3 आया मेरा यस 13/6 आ रहा है बच्चों का सही है जिन बच्चों का 13/6 है उनका सही है बाकी बच्चों का क्या है गलत है ठीक है सर मेरा सही है गुड बेटा गुड मेरा भी गुड अगर तो 2 दूनी होता है 4 और 2 × 13 होता है 26 यानी 13 × 26 और 2 × 2 = 4 ठीक है देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 यानी यहाँ हो गया 13/3 और यहाँ हो गया बच्चों 1/2 अब अंश का गुणा अंश में करा दीजिए तो 13 × 1 = 13 और 3 × 2 में करा दीजिए 3 × 2 = 6 तो फाइनल उत्तर आपका बनेगा 13/6 क्या सारे बच्चों को समझ में आया यस सर सर ये 4 × 1 = 2 हो सकेगा सर ये 4 × 2 = 2 कट सकता था हाँ सॉरी बेटा मैं सुन नहीं पाया एक बार फिर से बोलिएगा सर ये 4 × 2 = 2 कट सकेगा 4 × 2 से कट जाएगा तो सर नहीं बेटा कहाँ कटेगा देखो अच्छा नहीं कटता सर वो 4 × 24 होता है ये 26 है देख तो लो पहले हाँ हाँ वही वही बात है ना 4 × 6 = 24 होता है 26 नहीं होता बेटा चलिए अभी सारे क्वेश्चन को करिए 3 का गुणा करना है -7/15 में अच्छा बच्चों इस माइनस से घबराइएगा मत ठीक है इस माइनस से घबराइएगा मत ये जैसे है इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और जैसे मैंने सिखाया था वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए आपका जरूर उत्तर आ जाएगा कोई भी बच्चा माइनस से घबराएगा नहीं ठीक है बच्चों के सर हाँ माइनस को एज इट इज लिख दीजिएगा बस बात खत्म बाकी लोग भी करिए बच्चों अभी अभी किया है सर सही है एकदम परफेक्ट है सर अब एकदम सही है बेटा मंजू सैनी के नाम से जो बच्ची है ना एकदम परफेक्ट सर मैंने भी अभी किया है सर कितने बच्चों का गलत है बता दो किसी का गलत नहीं है सबका सही है अभी तक सबका सही है एक बात बोलूं हाँ बताइए इसके क्वेश्चन में ये आंसर है मैं समझ गया क्या बोल रहा यस सर एकदम बहुत शानदार लड़की बस एक चीज हटानी पड़ेगी सर ये बहुत ही अच्छी बच्ची है ना इन्होंने एकदम समझ लिया अच्छी बहुत बाकी लोग भी करिए टोटल 8 बच्चों का सही आया है किसी का गलत नहीं है बेटा ठीक है किसी का गलत नहीं है सर मेरा सही है हाँ बिल्कुल सही है सही है बहुत ही अच्छी बात बच्चों देखो रिकॉर्ड बन गया यार इस वाले सवाल में एकदम रिकॉर्ड बन गया है क्योंकि जानते हैं बच्चों ने किया है सर ठीक बेटा 13 बच्चों ने सही किया है अब 14 हो चुकी है संख्या आपकी आवाज रिपीट हो रही है अच्छा अच्छा एक सेकंड हाँ टोटल 14 बच्चों का सही है और किसी का गलत है ही नहीं बहुत ही शानदार हाँ निकिता आप हैंड रेज कर रही थी बताइए निकिता सर ये कहना था कि आपकी आवाज रिपीट हो रही है हाँ वो मैं समझ सकता हूँ एक्चुअली क्या है ना कि रियाज के नाम से जो बच्ची है ना मतलब उन्हीं की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अदरवाइज सारी चीजें ठीक है सर हमारी मोटर चल रही है पानी भर रहा है इसलिए हो सकता है
ठीक है, तो बस वही मैं बोल रहा था कि माइक बंद रखेंगे ना सभी लोग। सॉरी सर, आपकी नहीं करूंगी माइक ऑन, बात होगी तभी करूंगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, है ना। अगर मान लो बच्चे समझदार हैं, बच्चे समझ रहे कि हाँ मेरी तरफ से डिस्टरबेंस होता है, तो बच्चे अपने आप तुरंत म्यूट कर सर देखना अभी क्या, ठीक है? अभी किया है आपने, एक सेकंड बस देख लेता हूँ। हाँ एकदम परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट। सर जब आपने क्वेश्चन दिया ना सर, मैं से सोची ये तो सर ने समझाया नहीं सर, फिर आपने ऐसे कहा ना ये तो सिखाया हुआ है, जब सर कर दिया। बिल्कुल वो तो है। चलो चलो क्या हम फोन को बंद कर दें अब? यस सर। फोन हो चुका है बंद, चैट हो चुका है ऑन, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। जतिन की कॉपी देख पा रहा हूँ, मुकेश के नाम से बच्ची है, निकिता है, गुड। रियाज के नाम से बच्ची है, राहुल के नाम से बच्ची है, गुड गुड। सभी का सही है बेटा, मैं सबकी कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है। यस, लिखने का तरीका भी ठीक है ना। चलिए समझिएगा, तीन एकम तीन होता है और तीन पच्ची पंद्रह होता है, ठीक है। तीन एकम तीन और तीन पच्ची पंद्रह, तो सिंपल सी बात है, ये अंश गुणा अंश में कराना पड़ेगा। तो एक गुणे माइनस सात करेंगे तो माइनस सात आ जाएगा, और जो हर है उसमें पांच है तो पांच से लिख देंगे। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि इसका उत्तर कौन सा वाला बनेगा, ए वाला बनेगा, ठीक है सर। सबको क्लियर है सर? यस सर। हाँ हाँ बताइए सर। मैंने ना जैसे आपने काटा ना सर, वैसे काट दिया, नीचे एक नील लगाया था सर इसके। कोई बात नहीं बेटा, आपका भी ठीक है आपका। मैंने देखा ना, देखो इसलिए मैंने सबकी कॉपी देखने को दी मांगी कि मैं देख लूं कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं। तो आपका भी मेथड ठीक है, गलत नहीं। ओके सर, एक सवाल दे दो। एक सवाल और दे दिया जाए। चलो बेटा आपकी बात मान ली जा रही है, और आपके कहे अनुसार सवाल आपकी स्क्रीन। फोन हो चुका है बंद बच्चों, और चैट हम सॉरी चैट ऑन करना नहीं है, फोन ऑन करना है। यस फोन ऑन हो चुका है, चैट बंद हो चुका है। अभी अभी क्या सर? सही है, परफेक्ट परफेक्ट। और किसी का गलत है ही नहीं, समझ रहे हो? सारे बच्चे एकदम शानदार जवाब दे रहे। सर एक उसमें से लेना सर, एक उसमें से सर आंसर आ जाएगा। सॉरी मैं समझा नहीं, फिर से बताइएगा सर। जो ये डेफिनेशन है ना 4/5, सर सर एक काटने के बाद बचता है ना वही ले लो एक एक सर, ये बोल रही है। टोटल 11 बच्चों का सही है सर, बच गई। मैंने तो आमने सामने की गुना कर दी थी, नहीं तो हमारा गलत हो जाता। सर ये बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल बच्चों, एक बच्चे ने गलत कर दिया, बताओ क्या बताया जाए, बड़ी दिक्कत है। क्यों गलत किया आपने बेटा, क्यों आपको? कल उसका नाम बता देना, सर का रिकॉर्ड खराब कर दिया। हाँ वही बात है ना, देखो कितना बढ़िया रिकॉर्ड। मैंने कर दिया आपका रिकॉर्ड खराब। अरे चांदनी कैसे हो गया बेटा ये? सर मैं तो मेरा नाम तो आप बड़ी जल्दी भूल जाते हो सर। सर गलती से लग गया सर मेरा टिकूस। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। देखो ये बहुत इजी सवाल था, इसमें तो रिकॉर्ड बन जाना चाहिए था पिछले जैसा, बट कोई बात नहीं है, तुम बिगड़ गया, कोई बात छोड़ो। सर शायद पिछले में एक दो गलत था। नहीं किसी का गलत नहीं था पिछले वाले में, सबका सही था। नहीं मेरा बताना है भी। एकदम परफेक्ट है, सही। पिछले वाले में सभी बच्चों का सही था, किसी का गलत था ही नहीं। सर चलो कोई बात नहीं, चांदनी ने थोड़ी सी गलती कर ली। अच्छा चांदनी गलती क्या हो गई बताएंगी? गलती से ही लग गया टिक। ओह यानी कि टिक करना था बी और गलती से टिक हो गया, यानी जो भी टिक करना सॉरी जो भी टिक करना था आपने ये टिक कर दिया। आने का आप आंसर क्यों बता रहे हो?
नहीं बेटा, आंसर जो बताया मेरे को गलत ही बताया। मैं आंसर बी बताया, देखो एक बच्चे ने लगा भी दिया। अरे बच्चों क्यों इतने आप बोले हो, देखो मेरी कि ना मेहनत कहीं गलती ना फल चाहिए सर। से देखो मैंने गलती से मैंने कहा क्या कहा कि बी लगाना चाहिए तो ए लगा दिया, तो किसी ने सुना तो उन्होंने सोचा होगा अच्छा बी सही है तो लाओ बी को ठीक कर देते हैं, जबकि बी नहीं सही है, बी गलत है। आंसर बताया तो था ही सर, एक उसमें से ले लो, एक उसमें से। हाँ हाँ कोई चलो मैंने ये वर्क कर दिया, आप लोग आंसर लिख सकते हैं चैट। सर देख लो। हाँ बेटा देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4/7 बचेगा, सिंपल ही तो एक लाइन में आ रहा है आंसर, कुछ देख लो। कर। यस मुकेश, निकिता, रियाज, सत्यमीर, राहुल, दहिया, योग क्लासेस, यस इन सारे बच्चों का ठीक आंसर। गुड बेटा आगे। सर मेरा भी ठीक हाँ और दे दो क्या आगे कंटिन्यू करें स्कोर में, और दे करेंगे दो क्वेश्चन सर। बेटा, अब सीखते हैं पर डिवीजन, है पीछे करना ठीक। एक बार। अच्छा अच्छा ओके सर कर लो, आगे कर लो। अब चलिए अब सीखते हैं डिवीजन। हेडिंग लगा दीजिए आप सभी को, कादी सर, लगा दिया आपने। सर सर अब एकदम अच्छे से बेटा समझने का प्रयास करिएगा। देखो लिखा हुआ 16 डिवाइडेड बाई 2/7, ठीक है। तो देखो बेटा यस इसको आप लोग समझना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा अगर इसको समझ लिया ना, समझ लो बहुत ही प्यारा बच्चा है या बहुत ही प्यारी बच्ची है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको ये पहले से ही इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। क्या आप सभी इसको सीखने के लिए रेडी हैं बच्चों? ठीक सर, यस है, सर, अब हमारी बात यस सर। समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होगा उसको पहले आप ठीक करेंगे। तो 16 आप लिखेंगे 16/1, ठीक है बच्चों। और ये जो भाग का निशान है ये ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और ये 2/7 है तो 2/7 ऐसे लिख दीजिए। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, अब देखो ये जो भाग के निशान के बाद ये जो लिखा हुआ है बटे में, ठीक है, इसको हम लोग पलटते हैं। कैसे पलटते हैं देखिएगा, गुणा में चला जाता है ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो भाग का निशान है इसको हम लोग पहले गुणा लिखेंगे, और इसके गुणा लिखते ही ये तुरंत क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और पलटने को हम लोग एक तरीके से बोलते हैं, 7/8 आने के बाद उसकी वो कर देंगे सर, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा रेसिप्रोकल। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लेंगे, और जो आंसर बच्चे भाई का चाहते हैं इंग्लिश में लिख देंगे। बताओ इतना होगा कि नहीं सब होगा बच्चों? 56 आएगा। यस सर, हाँ अब देखना, सर 16 देख को 2 से लो। कट करिए तो 2 एकम 2 एंड 2 8 16, तो अंश में 8 बचा और हर में 1 बचा। फिर देखो अंश में 7 बचा और हर में 1 बचा। अंश का गुणा अंश में कर दीजिए और हर का गुणा हर में कर दीजिए। 8 7 56 और 1 एकम 1। बेटा एक का कोई महत्व नहीं होता है, तो एक को आप मैंने तो इग्नोर। लिखा नहीं सर, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप? मैंने भी नहीं लिखा। सर कॉपी देख मैंने लो, थोड़ा लिखा है, कॉपी उसके बाद आंसर अलग लिख दिया है। 56 देख लो अच्छा सर, सही है, एकदम सही है। गुड बेटा मैंने आपसे भी पेन नहीं निकाल दिया था। बहुत अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात, गुड। लेकिन सारे बच्चे बताएंगे कि क्या आपको ये समझ में आया, एक बार जल्दी से बताओ। यस सर। सर नो आपने सर, पहले सिखा रिकॉल में दे रखा है, दो सर, ये आपने पहले सिखा रखा है सर, गुड बेटा गुड। हाँ ये मैंने पहले सिखाया, गुड बेटा एकदम आप लोग समझ गए। पोल में दे दो। सर हाँ अभी और सिखाना है, बस रुक जाइए, पोल में दे रहे हैं, थोड़ा और सिखा लिया जाए। चलिए पोल क्या, आप इसको करके दिखाइए। चलिए पोल अभी हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको करके दिखाइए। चलिए आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों? रही हूं मैं, रुको सर। करेंगे ठीक है, करिए इसको, इस सवाल को करिए और इसका आंसर बताइए। देखियो
यस यस सही है बेटा। सर 20 है सर, देख ना 20 एकदम सर, सही है। हाँ जी मैं कॉपी देख लो। एकदम सही है बेटा, मैं देख तो रहा हूँ, एकदम सही है। तो पोल में पूछ लो। हाँ और निकिता का भी ठीक है। तो क्लास में यस मैं राहुल की कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक आंसर है इनका भी। रियाज के नाम से बच्ची है, इनका भी ठीक है। दहिया के नाम से जो बच्ची है, इनका भी ठीक है। आई सर, थिंक मेरा आप नाम बड़ी बहुत जल्दी भूल जाते हो, मैं आईडी चेंज कर दूंगी, अपने नाम से बना लूंगी। हाँ सुमन नाम है ना आपका बेटा। यस सर, हाँ ठीक, याद रहता है बेटा, ऐसा मत हो कि मैं भूल जाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आईडी नाम बोलते हो ना इसलिए। एक्चुअली बेटा वही दिखता है ना, इसलिए मैं बोल देता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, सुमन नाम है आपका, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आईडी बना लूंगी अपने नाम से। हाँ ये भी ठीक रहेगा, बढ़िया। क्योंकि देखो होता क्या ना कि कई सारे बच्चे अपनी कॉपियां चेक करा रहे होते हैं और सबकी आईडी नेम ही दिखती है, किसी का रियल नेम नहीं दिखता है, और जिसने रियल नेम लिखा होगा बस उन्हीं का दिखेगा। तो जो आप लोग लिखते हैं मैं वही पढ़ देता हूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा बच्चा देखो ध्यान से, ये भाग है, इसको आप ऐसे लिखोगे 15/1, इस भाग को आप चेंज कर दोगे गुणा में, तो पलटना हो गया, 3/4 को पलट दीजिए, 4/3 लिख दीजिए। अब देखो कट कर सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 बचे 15 है ना। तो अंश का गुणा अंश में करा दीजिए, 5 चौके 20, और हर का गुणा हर में, तो 1 एकम 1, कुल मिलाकर के 20 आता है यहाँ पे आंसर आएगा, 20 उत्तर आएगा। सभी को समझ में आया? यस सर, चेक ठीक है बच्चों, करना एक बार, बोल अच्छा अच्छा कर लेते हैं। में दे दो सर, दे दो आगे कर लो। यस अच्छा अच्छा बच्चों, अगर निगेटिव संख्या रहेगा तो कर ले जाओगे ना आप लोग, देखो यहाँ पे निगेटिव है। सर, चलो इसको आप होमवर्क में लिख लो, और मैं एक पोल भी करवा देता हूँ, इसको आप लोग होमवर्क लिखो, बताएं हम होमवर्क लिखो, इसको लिख लिया? हाँ सर, दो कर लिख लिया। अच्छा अच्छा लिख लो। लिख लिया? लिख सर, अच्छा ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पोल के लिए, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे थे सर पोल में करा दीजिए, तो मैं उस दिए गए क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे दिया, और इस क्वेश्चन को मैं पोल में करा देता हूँ। चलिए ताकि आप लोग की बात भी मानी जा सके, और आप लोग का जो मन है पोल में करने का उसको भी पूरा किया जा सके। चलिए करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए फोर्थ सेक्शन में। बताइयो आंसर ठीक है या नहीं। हाँ बेटा ठीक है, एकदम ठीक है। अच्छा जतिन के नाम से जो बच्ची है आपका नाम क्या है? का सर है जतिन, आपका नाम क्या है? जतिन के नाम से जो बच्ची है, गरिमा। सर, गरिमा। बहुत ही बढ़िया गरिमा। अच्छा गरिमा जैसे कि मान लो आपके फोन से 4 बच्चे जुड़ते हैं है ना, सर हाँ, तो वो 4ों बच्चे यानी कि वो 3ों बच्चे आपके अलावा पढ़ते हैं ना? हैं हाँ वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो आंसर तो आप केवल एक जन ही कर पाओगे, या तो आप या तो वो 3 बच्चे है ना, तो मतलब ये जन। आपकी हाँ एक बार दिखाओ सबकी कॉपी मेरे को दिखा दो, तीनों लोग की कॉपी दिखाओ, अपनी भी कॉपी और उनकी भी कॉपी, मैं देखना चाहता हूँ। चलो एक बच्चा, सर सही है। 1 मिनट बेटा मैं दो देख लेता हूँ, 2 बच्चों का मैंने देख लिया, और बस क्लास तो आई नहीं से ओके ओके। अच्छा बोली, मेरा सारा नंबर दियो। सर लेकिन बेटा ये तो गलत बात है ना, अगर वो आई नहीं है आप झूठे अटेंडेंस लगा रहे हो, ये तो गलत बात है। मैं एक मानसिकी लगाती हूँ सर। सर मेरा हाँ सही है, सही है हाँ बताइए सर, मैं मानसिकी वो लगाती हूँ क्लास अटेंडेंस। सर, क्लास। तो हाँ तो वो करती है ना, कहने का मतलब ये है, यस सर, हाँ बस करना चाहिए है ना, वो इम्पोर्टेंट है बेटा अटेंडेंस। देखो यार सिंपल सी बात है, आप सीखने आते हो, अगर आप नहीं आओगे सीखने तो अटेंडेंस लगा के क्या फायदा, आप लोग खुद बताओ क्या कोई फायदा है उस चीज का।
नो सर। वही है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे, और कोई बात नहीं थी। सर ओके स्कोर हाँ बोर्ड बता दो। बेटा बिल्कुल, 11 बच्चों का करेक्ट है, और इस वाले सवाल में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, शानदार रिकॉर्ड, गुड, किसी का गलत है ही नहीं, ठीक है, किसी का गलत है ही नहीं। एक लड़की अभी ज्वाइन हुई है। अच्छा, देखो 2 बच्चों ने और किया, कुल मिलाकर के मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि 13 बच्चों का आंसर सही आया है, किसी का गलत है नहीं, सभी का ठीक है। चलो बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। वैसे कितनों ने ली है ऑनलाइन क्लास टोटल? नहीं हाँ बेटा सर टोटल को चेक कर 23 बच्चों दो। ने ली है, 23 बच्चों ने क्लास ली है। कॉपी चेक कर दो। हाँ बेटा मैं देख, सही है आपका, आप हाँ सर प्राउड, कितने बच्चों ने ली है क्लास? सर 23 23 23 में यहाँ कितना, 23 बच्चे हैं सिर्फ। यस, 13 ने आंसर दिया। निकिता रिया और राहुल तो जतिन देखिए कॉपी। सबका सही, मैं देख रहा हूँ बेटा वही देख रहा हूँ, जतिन है ना रियाज सबकी कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है गुड, ठीक है। देखो जिन लोगों ने आंसर किया ना वही पढ़ भी रहे हैं, जो लोग आंसर नहीं कर रहे मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ पा रहे होंगे, वो बस अटेंडेंस लगवाने के लिए आते हैं, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है बेटा आप लोग पढ़ा करो और आंसर किया करो, समझ रहे हो, अगर क्लास में 23 बच्चे, ओके ठीक है 23 बच्चे तो 2300 बच्चों आंसर करो आप लोग, सभी लोग आंसर करो ताकि सभी लोग सीखें, सभी लोग बढ़े आगे। चलो बच्चा यहाँ से देखो 85/1 गुणे कर देंगे, पलट जाएगा ये 16/17, बताओ 17 × 17 17 × 85 और 16/80 होता है, 80/1 यानी कुल मिलाकर के 80 उत्तर रहेगा, बी वाला उत्तर सही है, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। हाँ ये क्लास यही पे ओवर होती है, अगर आप अगर उनसे सर पूछ सकते हैं।